तो फिर से फुल एनर्जी के साथ सब लोग एकदम एक्साइटेड हैं आरसीडी में कुछ नई केस स्टडीज के बारे में सुनने के लिए। यस मैम, फुल एनर्जी। यस मैम, एकदम। यस मैम, या एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया अभी। अरे आवाज नहीं आ रही सबके। यस मैम, बिल्कुल रेडी हैं। ओके, रेडी हैं। स्मृति, संगीता, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक जने ने रिस्पॉन्ड कर दिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पे अटेंड है, क्लास में प्रेजेंट हो रहा है, वो सबकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर अटेंड करो क्लास को, तो एक्साइटमेंट आएगा। बात करने से क्या होगा, थोड़ा सा मोनोटोनस खत्म हो जाता है ना। ऐसे हम लोग बस बैठे रहेंगे, मैम कुछ बोल रही है, बोलते होते नींद आ गई, हमें पता नहीं चला कि कहाँ चले गए हम, है ना, या कोई दूसरी दुनिया में चले गए, सोए भी नहीं। तो बहुत जरूरी है कि आप बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहो। इसलिए मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ बीच बीच में, नहीं तो फिर लाइव क्लास का और वीडियो क्लास में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ना। फिर तो वीडियो देख लो, काम खत्म। हम लाइव इसीलिए तो है ताकि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सके, तो जैसे फेस टू फेस होगा वैसे ही वो सारा फीलिंग हमें यहाँ पे मिल सके, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइव है, तो लाइव जैसे ही रखो इसको, वीडियो क्लास मत बनाओ इसको कि बस मैं बोले जा रही हूँ और फिर बस एकदम हाँ ठीक है कोई ऐसे कर रहा है, हाँ मैम बोलो बोलो, है ना, ऐसे मत करना। ओके चले, तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा प्रोविजन। हम लोगों ने बहुत सारे केस स्टडीज ऑलरेडी पढ़ ली थी, अब हम लोग नेक्स्ट आगे की केस स्टडीज पढ़ेंगे। वैसा मोटा मोटा जो कंसेप्ट है हमारा, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम कंसेप्ट में यही बात आती है कि किसी भी लॉ का कोई वायोलेशन हुआ हुआ, जो पर्सन किसी पोजीशन में बैठा है उसने अपनी पोजीशन को मिसयूटिलाइज किया होगा, और जो उसने मिसयूटिलाइजेशन किया उसकी वजह से कुछ लोगों के प्रोप्राइटरी राइट्स पे इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो अगर किसी पर्सन के प्रोप्राइटरी राइट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो सिंगल एक्ट से हो रहा हो या कंटिन्यूस एक्ट से हो रहा हो, सिंगल एक्ट है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ऐसा आपको फाइनल रिजल्ट देखना पड़ेगा कि उस रेस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन का फाइनल रिजल्ट क्या है। अगर उससे ये समझ में आता है कि हाँ ये पर्सन अग्रीव्ड हो गया है, इसके पर्सनल राइट्स जो एक्ट ने उसको इंश्योर किए थे कि बेटा देखो ये राइट्स तो मिलेंगे, वो राइट्स उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पे कोर्ट का रास्ता खुला है। हम लोगों ने वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर नंबर 1 में फॉस वर्सेस हॉर्पिटल केस की बात की थी। उस फॉस वर्सेस हॉर्पिटल में ये बोला गया था कि इन जनरल कोर्ट्स विल नॉट इंटरफेयर, बट एक्सेप्शनल केसेस जब हमने पढ़े थे तो उसमें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की भी बात की थी, तो यहाँ पे भी कोर्ट इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट केस है हमारा, फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट, वही केस है जो कल हम लोग कर रहे थे, नाच का हम लोग बात कर रहे थे, चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्ना लाल गिरधारी लाल प्राइवेट लिमिटेड। इस द सेम केस, इसमें हमने तीन अलग अलग बातें पढ़ी कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन नहीं कर रखी है, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखी हुई नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। तो उसी के कंसर्न में एक और पॉइंट यहाँ पे कवर किया गया है, अनऑडिटेड बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट है वो भी कौन सी अनऑडिटेड है, तो उसके कंसर्न में क्या बोल रहे हैं, इट वॉज हेल्ड दैट फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट शो मिसकंडक्ट इन द मैनेजिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इफ दिस एक्ट कॉजेस प्रेजुडिस टू द कंपनीज इंटरेस्ट इट मे जस्टिफाई एक्शन अंडर सेक्शन 398 पुराना एक्ट का सेक्शन है, इसलिए क्योंकि पुराना केस हुआ हुआ है तो 398 सेक्शन लिखा, अभी सेक्शन चेंज हो गया, अभी 398 सेक्शन नहीं है हमारा, है ना। बट दिस By itself cannot be regarded as an ingredient of operation within the meaning of section 397 of the Act. अच्छा, सबसे पहली important बात accounts है हमारे। आपको ये चीज अच्छे से पता है कि accounts को audit करने के लिए company में auditor appoint होते हैं, है ना, auditor। ये auditor क्या करते हैं, financial statements को audit करते हैं, अपना report देते हैं, qualification report वगैरह जो भी इनको लगाना है वो report देते हैं, और अपनी report जो भी रिपोर्ट होती है ऑडिटर्स की वो जनरल मीटिंग में प्रेजेंट की जाती है, और जनरल मीटिंग में जब इसको प्रेजेंट किया जाता है तो मेंबर्स को पता चलता है कि यार कंपनी ने किस टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं और किस टाइप का उसमें ऑडिटर्स ने क्वालिफिकेशन निकाला है, तो फाइनल सिचुएशन जो है वो समझ में आती है कि कंपनी किस टाइप से अपना वर्किंग कर रही है। अब अगर मान लो बाई चांस कंपनी ने ऑडिटर्स से अपने अकाउंट जो है
वो ऑडिट नहीं कराए, मतलब अकाउंट्स कौन से हैं अनऑडिटेड, अकाउंट्स कौन से हैं अनऑडिटेड। हर्षिता म्यूट करो अपने आपको। तो अगर ये अकाउंट्स अनऑडिटेड है इसका मतलब क्या होता है भाई? देखो सुनो, आज ऐसी बात हो गई कि मैं बोलूं मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, अगर मेरा टेस्ट नहीं हो तो कैसे पता चलेगा कि मुझे सब कुछ आता है नहीं आता? जैसे आईसीएस आएगा वो क्या करता है कि एग्जाम कंडक्ट करता है कि नहीं? आप एग्जाम लेके आते हो, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं और एग्जामिनर बोलते हैं कि हाँ भैया आप इस लायक हो, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, तो आपको एग्जाम में अगर क्लियर कर दिया तब जाकर के आप सीएस बनते हो, या आपके कहने पर सीएस बना दिया जाएगा। बोले ठीक है यार, आपने बोल दिया कि हमने तो सारा कंटेंट पढ़ लिया और अब है ना हमें सब कुछ आता है इसलिए हमें सीएस की मेंबरशिप दे दो, क्या इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको मेंबरशिप मिलेगी? ऐसा होता तो जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते सबको मेंबरशिप मिल जाती, जैसे हमारे बाकी सारे एग्जाम तो हुए ना, 10th का एग्जाम दिए बिना प्रमोट हो रहे हैं बच्चे 11th में, है ना? तो ऐसे बाकी सारे एग्जाम तो हो रहा है लेकिन सीएस में तो ऐसा नहीं कर रहा है। आईसीएसआई के बिना एग्जाम दिए आपको एग्जिट दिया नहीं, प्रोफेशनल पास या प्रोफेशनल दिया नहीं, आईसीएसआई की मेंबरशिप मिल गई है। तो आप ये थोड़ी ना कर सकते हो कि आपने एग्जाम दिया ही नहीं है और आपको यहाँ पे पास कर दिया जा रहा है। तो एग्जामिनेशन होता है ऑडिटिंग। आज कोई भी कंपनी अकाउंट आती है तो उस अकाउंट्स में उसने सही सारी इन्फॉर्मेशन डाली है कि नहीं डाली है, सब कुछ फेयर डीलिंग है कि नहीं है, वो ऑडिट से पता चलती है। और आपने ऑडिटर से ऑडिट ही नहीं कराया, इसका मतलब अभी अकाउंट्स हमारे फाइनल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो लूप होल हो सकती है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कि आपने प्रॉफिट जो है वो ओवर वैल्यू करके दिखाया हो सकता है असेट्स को आपने ओवर वैल्यू करके दिखाया हो सकता है लाइबिलिटीज एंड लॉसेस को आपने मिनिमाइज कर दिया हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब अगर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और आपने ऑडिट किए बिना ही उसको क्या कर दिया है, फाइल कर दिया है, तो क्या ये मिसकंडक्ट है कि नहीं है? क्या ये मिसकंडक्ट है कि नहीं है बताओ जल्दी से, है ना? मिसकंडक्ट तो है मैम, ऑफ कोर्स दिस इज अ मिसकंडक्ट, दिस इज अ मिसकंडक्ट तो है। आपको अकाउंट्स ऑडिट करनी चाहिए थी, आपने बिना अकाउंट्स ऑडिट करे कंपनीज अकाउंट वायलेशन आप कर रहे हो, ऑडिटर्स से ऑडिट कराने के बाद आपको उसको आरओसी को फाइल करना पड़ता है, तो आपने बिना ऑडिट कराया उसको आरओसी को फाइल कर दिया। हाँ लेकिन लेकिन अगर आपने अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऑपरेशन भी होगा। अगेन जरूरी नहीं कि वो ऑपरेशन हो, क्यों? अगर मान लो चाहे वो अनऑडिटेड स्टेटमेंट्स है लेकिन स्टिल उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन एकदम ट्रू है, उसमें जो प्रॉफिट है वो ओवरवैल्यूड नहीं है, उसमें जो लॉसेस है वो एक्चुअल दिखाई दे रहे हैं, कंपनी की लायबिलिटीज एक्चुअल दिखाई दे रही है, असेट्स एक्चुअल दिखाई दे रही है, अगर ऐसा कुछ है जहां सब कुछ एक्चुअल एक्चुअल अपियर हो रहा है जिसपे किसी भी पर्सन के किसी भी मेंबर के इंटरेस्ट पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, तो क्या इन दिस केस इसको ऑपरेशन मानोगे? तो इसीलिए ऑपरेशन है कि नहीं है ये कहना अभी जल्दीबाजी होगा, वो टोटली डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस कि किस हालात में आपने अनऑडिटेड सबमिट कर दिया है। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत सारे रीजन है कि मान लीजिए जो हमारा ऑडिटर है उसको क्वालिफिकेशन से और क्वालिफिकेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, या वो ऑडिटर जो है बेईमानी कर रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है उसकी वजह से भी अनऑडिटेड सबमिट हो गए, तो हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने ही थे क्योंकि हम डिले नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिशन में, नहीं तो हमारे अलग पेनल्टी लग जाएगी, तो इसलिए कंपनी ने इन कंप्लाइंस के भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है उसी को, तो ऐसा करके चाहे वो ऑडिट नहीं हुए थे अनऑडिटेड स्टेटमेंट ही फाइल कर दिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आई वॉज इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVNL में थी मैं, तो वहां पे एक और सिस्टर कंसर्न थी, अब नाम नहीं बताऊंगी कौन सी सिस्टर कंसर्न थी, पर गवर्नमेंट की ही कंपनी, उस कंपनी के अंदर ऑडिटर्स से अकाउंट ऑडिट ही नहीं हो रहे थे क्योंकि उसमें बहुत सारे झोलझाल थे और ऑडिटर्स जो बोल रहे थे कि हम तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे, और इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 3 साल हो गए थे, 3 साल से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिट ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे, ये लोन वोन पता नहीं क्या क्या होते थे उनके, तो वट एवर द रीजन इज देयर, बट अब कंपनी जो है फाइलिंग में तो डिले करेगी तो अलग टाइप के नॉन कंप्लाइंस में फॉल करेगी, तो कंपनी चोज की एटलीस्ट एटलीस्ट जो भी अनऑडिटेड स्टेटमेंट हमारे बने हुए हैं
अभी दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट तो नहीं बैठ रहा, लेकिन एटलीस्ट जो भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो हम एक बार आरओसी को फाइल कर दे, फिर जो भी होगा ऑडिट होने के बाद हम दोबारा से फाइल कर देंगे। तो ऐसा सोच के कंपनी ने क्या किया, अनऑडिटेड फाइल कर दिया। तो अनऑडिटेड तो एटलीस्ट फाइल किया उन्होंने, उसके पीछे इंटेंशन जो था वो मैला फिर इंटेंशन करता ही नहीं था। इंटेंशन सिंपल सा था कि हम और डिले करेंगे तो हमारे ऊपर नॉन कंप्लाइंस बढ़ते जाएंगे, तो इट्स बेटर कि हम एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है वो फाइल कर दें और जब हमें ऑडिटर से प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगी और देन उसके बाद हम उसको फाइल कर देंगे। अब गवर्नमेंट कंपनी थी तो ऑब्वियसली वहां पे ऑडिटर भी थोड़े टेढ़े होते हैं, सीएजी अपॉइंट करते हैं। अब सीएजी ने ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कर रखा था तो डेफिनेटली वहां पे बड़ा नॉन कोऑपरेटिव एकदम एनवायरमेंट हो रखा था, कंपनी के डायरेक्टर और सीएजी में मन नहीं रहे हैं, बहुत सारे इशूज अराइज हो रहे हैं। तो इन सब के चलते हुए जो है ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ पा रही थी और उसकी डिस्प्यूट्स की वजह से जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिट नहीं हो पाते। तो ऐसे केसेस में अगर कंपनी ने फाइल कर दिया तो उनका सिंपल ऑब्जेक्टिव तो यही था ना भाई कि हम एटलीस्ट दूसरे नॉन कंप्लाइंस में फॉल ना करें। तो मिसमैनेजमेंट तो ऑफकोर्स है, मिसमैनेजमेंट तो है ही है कि ऐसा कैसे है कि आप ऑडिटर से जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, तो ईगो क्लैश हो जाते हैं बहुत सारे बार, बहुत सारे इशू होते हैं। तो मिसमैनेजमेंट तो डेफिनेटली है, लेकिन ऑपरेशन है वो ऐसा बोलना कतई सही नहीं होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। ओके यस मैम। चलो नेक्स्ट केस है माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। अब माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट है, छोटी छोटी गलतियां तो हर जगह होती है भाई। अब ऐसा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा आपको जहां पे मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर मिस्टेक नहीं है तो भगवान थोड़े ना होगा 100% परफेक्शन हो जाएगा। आप लोगों ने कभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया आप में से किसी ने भी आज तक? एनी वन ऑफ यू कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया किसी ने? मैम अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज करी थी खुद ही। ओके बर्थडे पार्टी अरेंज करी थी, ठीक है। अच्छा बर्थडे पार्टी तो क्या होता है, छोटा छोटा इवेंट होता है, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, फ्रेंड्स आते हैं, हम 5-6 लोग ही होते हैं तो ज्यादा इश्यूज नहीं होते। लेकिन जब हम बड़ा इवेंट करते हैं ना, अच्छा अब ना किसी की पार्टी तो अरेंज नहीं की होगी लेकिन पार्टी में गए तो होंगे सब लोग। एकदम मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा पार्टीज को, है ना, बहुत टाइम से पार्टीज पार्टीज नहीं हो पा रही ढंग से। तो अभी ना हम पार्टी में जाते हैं, कोई इवेंट होता है तो इवेंट में आपने ना कभी किसी ना किसी को कुछ कुछ कहते सुना ही होगा, चाहे इवेंट कितना ही लाविश हो ना आपको कंप्लेनिंग लोग मिल जाएंगे वहां पे। यस मैम हमेशा ही कुछ एक कमी तो मिल ही जाते है ना, दो चार लोग तो हमेशा मिल ही जाएंगे, बोले यार ये तो था ही नहीं वहां पे, है ना, मतलब यार वेलकमिंग पे रोज नहीं दिए उन्होंने यार ऐसे कैसे, है ना, मतलब कोई डोर पे खड़ा ही नहीं था, मतलब कुछ भी एनी ऑफ द रीजन कैन बी देयर जिसको आप मतलब पहले समझ सकते हैं, अपने ईगो पे ले सकते हैं, हो सकता है आप बोल देंगे यार मिसमैनेजमेंट था वहां पे, है ना। तो चाहे आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा किसी भी टाइप का इवेंट देख लो, वहां पे इंसान है तो इंसान के थॉट्स में डिफरेंस आएगा और वहां पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोग ना हो सकता है। इवन आप बड़ी से बड़ी कंपनीज देख लो ना, आज जियो है, क्या जियो का इंटरनेट हमेशा परफेक्ट चलता है? नहीं मैम कभी कभी। नो मैम आज भी नहीं चल रहा, तो मैम प्रॉम क्रिएट करता ही है, है ना, कभी कभी तो होता है, जबकि इतनी बड़ी कंपनी इंडिया की है, इतनी बड़ी कंपनी है ना, मुकेश अंबानी जी जिसको देख रहे हैं उनसे ज्यादा दिमाग तो हमें से किसका ही चलता होगा, जितना बड़ा दिमाग उनका चलता है। तो अभी इतना सब कुछ और इतनी बड़ी टीम लेके बैठे है ना, कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं और कितने हाईली क्वालिफाइड IITians और पता नहीं कौन कौन लोग वहां पे IT सेक्टर काम कर रहे होंगे, है ना, उसके बावजूद भी कभी ना कभी ग्लिच आ जाता है ना नेट में, या कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी फ्लाइट ले लो, कोई किसी भी टाइप की आप कंपनी की बात कर लो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, एवरीवेयर समहाउ कुछ कभी कभी मिसमैनेजमेंट हो जाता है, बट दैट मिसमैनेजमेंट इज नॉट गोइंग टू बी टर्म्ड एज ऑपरेशन भाई। अरे छोटा छोटा तो हर जगह काम होता ही है ना, लोग काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, ऑलवेज वर्क इज डन विद द कोऑपरेशन ऑफ पीपल, और जब लोगों के थ्रू काम कराया जाता है तो कहीं 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 कुछ कुछ इश्यूज आ ही जाते हैं। तो छोटा मोटा अगर कोई मिसमैनेजमेंट है तो क्या उस माइनर एक्ट को आप ऑपरेशन मान लोगे? वेदर माइनर एक्ट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट विल बी टर्म्ड एज ऑपरेशन, जिसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में चले जाओगे? नो मैम नहीं जा सकते। हाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, वो हर जगह आप जहां जाओगे वहां पे जैसा आप सोचते हो एग्जैक्टली वैसा का वैसा हर चीज हो परफेक्टली पॉसिबल ही नहीं है, हर जगह कुछ 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 इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। तो वो जो माइनर माइनर एक्ट्स हैं उनको लेकर के आप कोर्ट में चले जाओ तो कतई समझ में नहीं आती बात। तो वो
ऑपरेशन नहीं माने जाएंगे और कोर्ट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर. अब जो इसमें केस हुआ था उस केस में स्टोरी क्या थी वो सुनना. एक देयर वाज अ कंपनी है ना, उस कंपनी के जो कुछ मेंबर्स थे उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट में और उसके कुछ डायरेक्टर्स पब्लिक के अगेंस्ट में केस फाइल किया. क्या बोला कि जो डायरेक्टर्स है ना डायरेक्टर्स वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं. क्या मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, कंपनी जो है वो ट्रैवलिंग वगैरह इस तरह की कंपनी थी उसमें डील करती थी और जो कंपनी है कंपनी और उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग है ना सही से ध्यान नहीं देते. किस चीज का ध्यान नहीं देते, जैसे बस है, बस बस चलती थी इस कंपनी की तो उन बसेस में जो पैसेंजर्स बैठते हैं ना उन पैसेंजर्स से टिकट चेक नहीं किए जाते है ना. तो बस में कुछ कुछ पैसेंजर्स जो है वो विदाउट टिकट जो है वो ट्रैवल करते हैं. एक एलिगेशन. दूसरा एलिगेशन, जो बस का ड्राइवर है वो जो पेट्रोल भरवाता है उस पेट्रोल के हिसाब में हेराफेरी करता है तो कुछ कुछ बिल ज्यादा अमाउंट का बना लेता है ना, इस तरह का. तीसरा एलिगेशन कि जो कंपनी है उसने जो ओल्ड बसेस डिस्पोज ऑफ की थी ओल्ड बसेस उनकी प्रॉपर प्राइस नहीं ली. ओल्ड बसेस जहां अगर मान लो 1 लाख की बिकती तो उन्होंने 80,000 में बेच दी, 90,000 में बेच दी, मतलब नॉर्मल प्राइस से थोड़े से कम प्राइस पे उन्होंने बेच दिया है ना. इस तरह के कुछ एलिगेशन जो है वो कंपनी के ऊपर लगाए गए. तो कोर्ट में सारे पॉइंट प्रूफ हो गए. ठीक है भैया, कुछ पैसेंजर्स बिना टिकट के बैठ जाते हैं, एब्सोल्युटली ओके है. पेट्रोल जो है उसके हिसाब में थोड़ा बहुत हेरफेर होता है, कागज ओके है ना. पुरानी बसेस जो थी वो कम प्राइस पर डिस्पोज हो गई, ये सब बार प्रूफ हो, सब प्रूफ हो रही है. लेकिन स्टिल स्टिल क्या ये सब चीजें ऑपरेशन मानी जाएंगी? नहीं मैम, आज कोई भी बस आप देख लो, अब उस बस में एकाध पैसेंजर तो ऐसे मिलेंगे ना तो विदाउट टिकट ट्रैवल करते करते हैं. और नहीं तो अगर मान लीजिए कंडक्टर टिकट के लिए बोलता है तो कुछ तो गुंडागर्दी भी करते हैं, बोले हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के लोग हैं, मतलब कुछ अपना रेफरेंस दे करके और पैसे नहीं देते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पता नहीं क्या क्या है ना. तो उनको डराते धमका दे भी है तो भी वो लोग चेक नहीं करते. या पेट्रोल के हिसाब किताब में छोटा मोटा 19-20 तो आप करोगे करो. इन सब चीजों को चेक करने के लिए क्या तरीका है, या तो आप एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर दो जो ये एग्जामिन करे कि भैया बसेस में एक एक पर्सन जो है उसमें कैमरा लगा दो, उसको ऑनलाइन चेक कर रहे हो, तो ये सब करोगे तो ज्यादा पैसा लग जाएगा. ये छोटी छोटी चीजें जो है यू कैन नॉट एग्जामिन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, हर समय ये सब चीजें चेक करना पॉसिबल नहीं होता. आज मान लीजिए आज कोई भी फोर्थ ग्रेड का एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसको आपने बोल रखा है पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए कि भैया कोई गैस आगे चाय ले आना, कोई गैस आगे समोसे ले आना, कचोरी ले आना, ऑफकोर्स तो आपने उसको पेटी कैश दे रखा है कि भाई ये 1,000 रुपए रखो और आप क्या करना चाय कॉफी वगैरह लाते रहना खुद से. अब अगर मान लो 900 रुपए की चाय कॉफी आएगी तो भी वो बोल देंगे ना 1,000 रुपए खत्म हो गए हैं, अब आप और पैसा, तो आप थोड़ी एक एक समोसे का कचोरी का हिसाब लगाते रहोगे. और उस दिन तो 5 समोसे आए थे तो ये तो हमारे 100 रुपए के हुए तो आपने कैसे बोल दिया, मतलब यू कांट डू दैट. ऑफकोर्स दिस इज नॉट योर डील, आप ऐसे करते रहोगे तो आपका बड़ा मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा. तो छोटा मोटा 19-20 ऊपर नीचे हर जगह होता ही होता है. तो डेफिनेटली इन छोटे छोटे एक्ट्स को लेकर के मिसमैनेजमेंट है मान लिया, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हम जो कॉस्ट अगर करेंगे वो ज्यादा हो जाएगी. तो डेफिनेटली कोर्ट बोलते हैं तो छोटी छोटी चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज ऑपरेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द लैंग्वेज गिवन ओवर हियर. माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन. एज फार एज पॉसिबल शेयर होल्डर्स शुड ट्राई टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस बाय म्यूचुअल रीएडजस्टमेंट. Moreover, the courts will not allow these special remedies to become a vexatious source of litigation. Lalita Rajya Lakshmi versus Indian Motor Company ka jo case hai, to is case mein kya decided hua? The petitioner alleged that the board of director were guilty of certain acts detrimental to the minority of shareholders. How? The allegation was that the income of the company was deliberately shown less by excessive expenditure. That the passengers traveling without ticket on the company's buses were not checked, that the petrol consumption was not properly checked, that the second-hand buses of the company had been disposed of at a low price, that the dividend were being declared at too low figure. It was held that even if each of these allegations were to the satisfaction of the court, there would have been no operation.
इवन दो ये सारे पॉइंट्स आप प्रूव भी कर दो तब भी स्टिल उसके बावजूद भी दीज एक्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज ऑपरेशन. बोलो क्या ये बात समझ में आ गई सबको? माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, ठीक है. Yes, अच्छा इससे पहले कौन सा केस पढ़ा था हमने, किसका केस था वो? चंद्रकृष्ण गुप्ता एंड पन्नालाल फाइलिंग अनऑडिटेड बैलेंस शीट आपने फाइल किए थे. और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे थे. ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट केस की तरफ. ओनली इन कैपेसिटी एज अ मेंबर, एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, ये प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को ही मिलता है. ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं 241 244 की जब हम बात करेंगे तो वहां पे ओनली मेंबर ही यहाँ पे कोर्ट में अप्रोच कर सकता है इन हिज कैपेसिटी एज अ मेंबर. अब मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए ही इज मेंबर एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. He is a member as well as director of the company. अच्छा अब मान लो as a director उसके साथ कुछ गलत हो रहा है company में. He is Mr. A, he is member as well as director. अब as a director उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके rights जो है director वाले वो violate हो गए, तो क्या वो operation mismanagement के लिए court में जा सकता है? नहीं जा सकता मैम. नहीं मैम, क्यों? वो तो director है ना मैम. Although he is member as well as director also, but यहाँ पे director के rights का violation हो रहा है उसका, तो वो operation mismanagement का जो रास्ता है वो नहीं अपना सकता. उसके member के rights अगर violate होंगे, as a member उसके right violate हो रहे हैं, तो ही वो court में जा सकता है और operation mismanagement का case file कर सकता है. तो this right is available to member only and not in capacity as director or creditor or any other person. तो किसी भी otherwise capacity में ये राइट अवेलेबल नहीं होगा. क्लियर बात? ठीक है चलो देखो क्या होगा. हाँ जी, रीबेलाडोर सिल्क लिमिटेड, अ मेंबर कैन कंप्लेन ऑफ ऑपरेशन ओनली इन हिज कैपेसिटी एज अ मेंबर एंड नॉट इन हिज कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर और क्रेडिटर. तो डायरेक्टर और क्रेडिटर की कैपेसिटी में केस फाइल नहीं हो सकता. अच्छा नेक्स्ट केस है, द लीगल हेयर आर आल्सो एंटाइटल्ड टू अप्लाई. लीगल हेयर भी केस फाइल कर सकते हैं क्या? तो हाँ डेफिनेटली, अगर मेंबर का राइट है ऑफ कोर्स उसके लीगल हेयर का भी राइट है. तो इसी में यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, जैसे मिस्टर ए है मान लीजिए, ही इज मेंबर ऑफ द कंपनी, ही इज मेंबर. और मान लीजिए ये मेंबर की हो गई है डेथ, तो इसका मतलब अब मिस्टर ए का राइट किसको मिलेगा? उसके लीगल हेयर्स. जो लीगल हेयर्स हैं, तो क्या वो लीगल हेयर्स इस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए केस फाइल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम पढ़ेंगे, तो उसमें एक में तो क्या हो गया इसने कि मान लो बाई चांस, जैसे मान लीजिए लीगल हेयर्स जो है अभी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी ट्रांसमिशन की और उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए था कोर्ट से, उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन उन्होंने लगा रखी और अभी केस पेंडिंग चल रहा है. इन द मीनवाइल उन्होंने कंपनी ने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से माइनॉरिटी के इंटरेस्ट पे इंपैक्ट पड़ रहा है. तो ऑल्दो लीगल हेयर्स का नाम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, तब भी क्या स्टिल क्या यहाँ पे ये जो लीगल हेयर्स है वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? मिस्टर ए की डेथ हो गई है, मिस्टर ए की डेथ के बाद उनके जो लीगल हेयर्स है वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट क्यों पहुंचे? क्योंकि उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है. ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन सुना है? यस मैम. ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है ना, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से. ऑफ लॉ के केस में क्या किया जाता है? एप्लीकेशन के साथ साथ, ट्रांसमिशन डेथ के केस में एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एक तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है, डेथ सर्टिफिकेट प्लस आपको लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, सक्सेसर सर्टिफिकेट आप बोलो, और अगर वसीयत बनाइए बिल बनाइए तो प्रोबेट लगाई जाती है. तो अब यहाँ पे उसको सक्सेसर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? कोर्ट से मिलेगा. तो जो लीगल हेयर है वो कोर्ट में गए और कोर्ट में उन्होंने एक केस एप्लीकेशन फाइल की, रिक्वेस्ट फाइल की कि प्लीज हमें सक्सेसर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए.
अभी फिलहाल कोर्ट ने उनको सक्सेसर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है, अभी केस पेंडिंग चल रहा है. इट मीन्स अभी लीगल हेयर जो है उनका नाम रजिस्टर नहीं हुआ है, अभी केस पेंडिंग चल रहा है. इन द मीन वाइल जो कंपनी थी जिसका वो मेंबर था उसने क्या किया, ऐसा कोई इवेंट किया जिससे कि इनके राइट्स पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या इन दिस केस जो लीगल हेयर्स है वो कोर्ट में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. कर सकते हैं मैम, कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम उनका राइट एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में फ्यूचर में तो इनके शेयर रजिस्टर होंगे ही होंगे, और जब फ्यूचर में रजिस्टर होंगे तो उस वक्त इनके राइट्स के साथ गलत होएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए केस फाइल कर सकते हैं. तो मेंबर खुद भी कर सकता है, मेंबर की डेथ होने पर उसकी लीगल हेयर सक्सेसर भी कर सकते हैं. तो लेट्स के एस मोतीलाल वर्सेस के एस कश्मायरा क्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड. तो इसमें क्या बोला उसने, द लीगल हेयर्स टू बी रजिस्टर्ड ऑन प्रोबेट और विल आर आल्सो एंटाइटल्ड टू अप्लाई इन दिस रिस्पेक्टिव केस. तो वो लोग अलाउड होते हैं लीगल हेयर्स, और इसी का एक डिटेल्ड केस आगे दे रखा है उन्होंने, राजकुमार देवराज इन अनादर्स का केस जो दे रखा है इसमें. तो उन्होंने क्या बोला, शेयर होल्डर डाइज एंड हिज लीगल हेयर अप्लाई फॉर ट्रांसमिशन of shares, transmission of shares. While their application for succession certificate was pending before the civil court, the legal heirs lead illegal allotment of shares by respondent to themselves, reducing the legal heirs to minority. Even though उनका केस अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था, लेकिन इन द मीन वाइल कंपनी ने हो सकता है कोई शेयर वगैरह अलॉट कर दियो, और उस शेयर अलॉटमेंट की वजह से जो लीगल हेयर्स हैं उनका स्टेक कम हो जा रहा है और वो माइनॉरिटी बन जा रहे हैं. इट वॉज हेल्ड दैट द लीगल हेयर्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन अलीगिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. यहां तक समझ में आया सब लोगों को? यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? अच्छा, पहला हमने बात की किस बारे में, कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए, राइट. दूसरा हमने बात की किसकी, माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट है, तो ऑफकोर्स दैट इज नॉट ऑपरेशन, है ना. तीसरा हमने बात किया ये राइट सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल है, मेंबर. यस ऑफकोर्स, ये राइट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को अवेलेबल है, डायरेक्टर्स क्रेडिटर्स को ये राइट अवेलेबल नहीं है. फोर्थली हमने क्या बात करी कि लीगल हेयर्स का राइट अवेलेबल है, हाँ, तो डेफिनेटली. और इवन चाहे लीगल हेयर्स का नाम अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, उनका अभी केस पेंडिंग चल रहा है सक्सेशन सर्टिफिकेट का, स्टिल उसके बावजूद भी यहाँ पे उनको ये राइट है कि अगर उनके राइट फ्यूचर में जो राइट इम्पैक्ट होंगे उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. चलिए अब आगे जो है नेक्स्ट केस हमारा, दैट इज व्हाट, रेमेडी अगेंस्ट माइनॉरिटी. अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये जरूरी है कि हमेशा हमेशा मेजॉरिटी ही माइनॉरिटी के अगेंस्ट में काम करता है, कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकती क्या? कर सकती है मैम, कर सकती है ना, कर सकती है. मतलब ऐसा कोई रूल थोड़ी ना कि हमेशा जो है मेजॉरिटी ही गलत होगी, माइनॉरिटी कभी गलत नहीं होगी, ऐसा तो कभी जरूरी नहीं है. इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं. अच्छा, आप लोगों ने डाउरी के केस के बारे में सुना होगा, डाउरी. yes, अच्छा, जो डाउरी डाउरी एक्ट है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? फीमेल्स को प्रोटेक्ट करता है ना. अच्छा, किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है? इन लॉज के अगेंस्ट में, है ना. अच्छा, इन जनरल ऐसा प्रेज्यूम किया जाता है कि अगर आज मान लीजिए कोई लड़की जो नई नवेली दुल्हन बन करके अपने इन लॉस के घर जाती है ना, तो वहां पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उसके पति के घर वाले हैं, लाइक हस्बैंड हो गया, उसके मम्मी पापा हो गए, है ना, राइट. तो ऐसे प्रिज्यूम किया जाता है कि ये जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं
वो किसको हैरेस करेंगे, इस अकेली माइनॉरिटी को, है ना. ऐसे प्रज्यूम किया जाता है ना कि एक घर में रह रहे हैं ये तीन तीन लोग जो हैं, ये तीन तीन लोग मिलकर के जो इस बेचारी लड़की को जो है हैरेस कर रहे हैं, ऐसा इन जनरल प्रज्यूम किया जाता है. ऐसे बोल रहे हैं कि अपने घर से ही लेके आ, वो लेके आ, नहीं लेके आती है तो मारपीट एंड ऑल, ये सब कुछ किया जाता है. तो मतलब ये डाउरी का जो एक्ट है वो इस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, राइट. बट नाउ ये सिचुएशन कुछ और भी देखने में आती है ना, क्या ऐसा है कि हमेशा हमेशा यही होता है, उल्टा होने लग गया, उल्टा होने लग गया ना, उल्टा क्या होने लग गया आजकल, इतना उल्टा होता है, लड़की नाक में दम करती है आजकल. यस एब्सोल्युटली सही बात है, बहुत ज्यादा. मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है आजकल कि भैया ये जो लड़की है उसको पता है कि ये डाउरी का एक्ट जो है मेरे प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, तो अब वो है ना इन लॉज के नाक पे दम करके रखी है. अपने पति को बोलती है कि मेरे को ये डायमंड का नेकलेस दिलाओ, उसने बोला यार अभी बजट नहीं है, तो बोले कि देख लो दिला दो नहीं तो मैं है ना एकदम पुलिस में जाकर एक कंप्लेन कर दूंगी. अच्छा अब ऐसे ही अगर मान लीजिए उसकी जो मदर इन लॉ है वो उसको बोलती है कि बेटा ऐसे ऐसे काम क्या करो, तो वो बोलती है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, मैं जैसे करूंगी वैसे करूंगी, और मुझे ज्यादा कुछ सिखाया ना तो मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी. तो ऐसा भी हो सकता है भाई साहब, आजकल तो बड़े डेंजर डेंजर केसेस हो रहे हैं जहां पे वो जो लड़की है वो जाकर के ससुराल में बेचारे जो मेजोरिटी है तीन तीन चार चार लोग हैं उनकी नाक में दम करके बैठे, ऐसा भी होता है. तो क्या अब इस लड़की को ये सब कुछ करने दिया जाएगा, क्या वो ये सब कुछ कर सकती है बड़े प्यार से, बोले ठीक है मैं आपको मत कराया, बिल्कुल भी नहीं. अगर वो ऐसा करती तो उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जा सकते हैं ना. यस मैम बिल्कुल. हाँ तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लिए जाएंगे. तो अगर उसने ये सब कुछ किया तो उसके अगेंस्ट में भी एक्शन होगा. एग्जैक्टली सेम बात यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर 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 माइनॉरिटी ऐसा कुछ कर रही है जिसे मेजोरिटी हैरेस हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि भैया ये एक्ट जो है ये सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी के अगेंस्ट में ही है, ये एक्ट जो है माइनॉरिटी के अगेंस्ट में भी एक्शन की बात करता है. तो यहाँ पे चाहे मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी पर्सन अगर दूसरे पर्सन के प्रोप्राइटरी राइट्स के साथ गड़बड़ करेगा तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना ही पड़ेगा. तो व्हाट इट सेज लेट्स सी. इन री सिंदरी आयरन फाउंड्री लिमिटेड क्या बोलता है, इट शुड नॉट बी सपोज दैट दीज स्पेशल रेमेडीज अगेंस्ट ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट are available only to minorities. ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि राइट्स हैं सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, मेजॉरिटी के लिए भी हो सकता है राइट. इन एन एप्रोप्रिएट केस इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड अबाउट द एक्ट ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, रिलीफ कैन बी ग्रांटेड इवन इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय अ मेजॉरिटी हु हैव बीन रेंडर्ड कंप्लीटली इनइफेक्टिव बाय रॉन्गफुल एक्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स. तो अगर माइनॉरिटी ग्रुप्स ने इतना परेशान कर रखा है मेजोरिटी वालों को जिसकी वजह से मेजोरिटी वाले कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन करेगा और उन माइनॉरिटी वालों को सबक सिखाएगा, तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो यार, तुम काम ही नहीं करने दे रहे कंपनी के अंदर, रोज एकदम तमाशा बना रहे कंपनी के अंदर. तो अगर वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं और हर बार बस धमकाए जा रहे हैं मेजोरिटी को तुमने ऐसा किया तो देखो हम ऑपरेशन के लिए केस फाइल कर देंगे, तो मेजोरिटी कुछ करने ही नहीं दे रहा, तो ऐसा कुछ उन्होंने आतंक मचा रखा है तो कोर्ट डेफिनेटली विल इंटरफेयर. बोलो यहाँ तक क्लियर? यस मैम. यस मैम. इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? चले आगे देखते हैं. आगे क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंगली अ रिलीफ अंडर द सेक्शन वॉज अलाउड टू अ मेजोरिटी ग्रुप एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट कंपनीज इंटरेस्ट इज बीइंग सीरियसली प्रेजुडाइज्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ वन ऑफ द अदर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर दैट टू डिफरेंट रजिस्टर्ड ऑफिसेज एट टू डिफरेंट एड्रेसेज हैव बीन सेट अप दैट टू राइवल बोर्ड आर होल्डिंग मीटिंग्स दैट द कंपनीज बिजनेस प्रॉपर्टी एंड असेट्स हैव बीन पास्ड टू द हैंड्स ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन who have taken wrongful possession and who claim to be the shareholder and director, there is no reason why the court should not make appropriate order to put an end to such matters. So, इतने सीवियर मैटर्स कंपनी में हो रहे हैं, दो दो रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप हो गए, मतलब कमाल की बात हो गई. डायरेक्टर्स के बीच में आपस में बनती नहीं है तो दो रजिस्टर्ड ऑफिस बना दिए, आधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरे ऑफिस में बैठता आधा दूसरे में बैठता है, दोनों अलग अलग बोर्ड मीटिंग कॉल कर रहे हैं. तो दिस इज कतई मतलब एकदम अनटॉलरेबल सिचुएशन कंपनी में हो चुकी है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, अलग ऑफिस सेटअप कर रखा है. तो इस तरह से तो डेफिनेटली कंपनी नहीं चल सकती है.
कंपनी के असेट्स को आपने अनऑथराइज्ड वे में किसी और को पोजेशन में दे रखा है, वो गलत तरीके से असेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। इतना भयंकर अगर कंपनी में काम चल रहा है तो कोर्ट विल डेफिनेटली इंटरफेयर और कोर्ट यहाँ पे डेफिनेटली अपना ऑर्डर इशू करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से। तो हमने आज बहुत सारे वेरियस वेरियस केसेस करे हैं, तो आज इन केसेस को यहीं पे हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, इनफ है, और रेस्ट ऑफ द जो भी केसेस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।